हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल सुमन ब्लेज ब्लॉग में। तो आज मैंने पहनी हुई है ये वाली साड़ी, कैसी लग रही है जरूर बताना। तो आज है भाई दूज, तो सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी भाई दूज 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 हैप्पी भाई दूज। तो अभी मैं जा रही हूँ मेरे मामा जी के घर पे, उन्होंने मुझे बुलाया था। मेरे मम्मी पापा तो गांव रहते हैं, यानी कि एमपी में रहते हैं, तो यहाँ पे मेरे मामा मामी रहते हैं, तो वही मुझे बुलाते हैं कुछ भी त्योहार पड़ता है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं उनके यहाँ पे जा रही हूँ। भाई का तिलक करते हैं। ये देख लीजिए, बहुत सारे कल मैं शॉपिंग करके लाई थी, वो मैंने आपको वीडियो शेयर कर दिया था। तो मिठाई के डिब्बे का बंदोबस्त कर रहे हैं, तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ। हाय गाइस, तो चलिए फ्रेंड हम लोग चलते हैं। और मेरी मामी जी ने, मेरी छोटी मामी जी है, उन्होंने मंगाया था जो स्क्रू टाइट करते, वो मशीन हमारे घर पे पड़ी थी तो उनको ज़रूरत थी तो वो मंगा रही थी, तो मैं उनको उनके लिए लेके जा रही थी। ये जो दिख रही है आपको, ये रखी हुई मशीन, यस भाई बस यही लेके जाना था। तो मैंने कहा चलो थैले में रख के ले चलते हैं, उसमें वजन भी बहुत ज़्यादा था। तो आज का वीडियो बहुत ही खास है गाइस, तो आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखिए। और मैंने पहनी हुई है साड़ी, तो ज़रूर बताना कि आपको कैसी लग रही है, पसंद आई कि नहीं आई आज भाई दूज के दिन पर। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग जा रहे हैं, वो हमारे घर से कम आधे घंटे की रास्ता है, इतनी दूर रहते हैं, यहीं पे गुजरात में सूरत में ही रहते हैं वो भी। तो देख लीजिए फटाफट से, हमने कहा चलो जल्दी, लेट हो रहे हैं वैसे भी, 11-12 बज गए थे, 12-1 बज गया था। तो फटाफट से मिलती हूँ मामी जी के घर पे जाके, फिर भाई को तिलक भी करना, किस तरीके से करना देखना, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखते रहिए। तो अब मैं पहुँच गई हूँ मेरी मामी, मैं पहले पहुँची हूँ अपनी बड़ी मामी के घर। तो बड़ी मामी के घर में ये मेरे बड़ी मामी का छोटा लड़का है, यानी कि मेरे छोटा भाई है, तो उसको पहले मैं उसको तलब कर रही हूँ। भी बड़ा वाला है वो अभी काम से आया नहीं है, आज उनका काम चालू था तो वो आया नहीं है अभी काम से, तो आ जाएगा तो उसका भी तलब करेंगे। और मैं ले गई थी सोन पापड़ी का डिब्बा, तो सोन पापड़ी उससे निकल नहीं रही थी आसानी से, तो मैंने कहा चलो चम्मच से निकाल के खिला देती हूँ। तो मैंने चम्मच ले ली और चम्मच से निकाल के खिला दी। और देख लीजिए, और मैंने मेरे देवर जी को फ़ोन दे दिया था कि आप एक काम करो, आप वीडियो शूट करो थोड़ी देर, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं करता हूँ। और आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है ये तो मुझे पता है। और फिर देख लीजिए सब कुछ होता है, फिर भाई ने मेरे पैर छुए, और उसके बाद फिर खाना बना रही थी मामी, सब कुछ बना के रख लिया था उन्होंने, खीर पूड़ी सब्जी सब कुछ, बस पापड़ नहीं सेके थे क्योंकि पापड़ फिर मुलायम हो जाते, अच्छे नहीं लगते खाने में, तो पापड़ तुरंत ही सेक रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ, मैं उनसे बातें करते जा रही थी और वो पापड़ भी सेकते जा रही थी, मैं बात हम लोग बातें भी कर रहे थे। तो देख लीजिए भाई पापड़ सेक गए, फिर बड़ी मामी के घर पर हमने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि वो भाई मना कर रहा था कि मेरा वीडियो, उन मतलब बहुत सारे लोग होते हैं उनको शर्म आती है वीडियो सब लोग के देखें, तो इसलिए मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया, बस बड़ी मामी के घर पे ही किया था, छोटी मामी के घर पे भी गए थे। और ये है जब हम जब हमने बनाया था जो पास्ता, कल हमने थोड़ा सा आपको दिखाया था, बस उसी का रेसिपी शेयर कर रही हूँ, पसंद आया तो ज़रूर बताना मुझे। तो आटे का जो हम पास्ता, आटे का हम पिज्ज़ा बना रहे हैं, तो आटे हमने आटा ले लिया है इतना, उसमें हम डालेंगे जो हमारे घर पे खाने का सोडा होता है, जो हम पापड़ आपड़ बनाते हैं नॉर्मल कस्टर्ड सोडा, बस वही है, एसिड होता क्या सोडा होता है उसको, वो क्या बोलते हैं, बस वही सोडा है। तो अब हम इसमें हमने नमक डाला है और सोडा डाला है खाने वाला, और हमने चीनी डाली है, और हमारे घर पे ऐसे दही डालते, दही था नहीं तो हमने इसमें थोड़ा सा छाछ डाल दिया खटास के लिए, इससे अच्छा जल्दी से आटा फूल जाता है। तो हम फटाफट से आटा लगा के रेडी कर लेते, किस तरीके से आटा लगाना है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा एकदम
और मुलायम भी नहीं लगाना है, बीच का आटा लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आटा लगा लेती हूँ फटाफट से। तो आटा हमारा इस तरीके से लग गया। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे जिससे चिपके ना। 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे, खाने वाला जो भी आप तेल खाते हो वो, इस तरीके से। ठीक है, और इसमें क्या क्या बनाना है, क्या क्या सब्जी डालनी है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो देख लीजिए इस तरीके से। तो इसको हम कम से कम 10 से 15 मिनट तक ढक के रख देंगे। ये है जो हम चीज़, यानी कि जो प्रोसेस चीज़ आती है पिज़्ज़ा वाली, वो लेकर आए थे हम मॉल में गए थे। तो इसको कस लेते हैं सारी चीज़ों को। और 3 निकाल दिए अभी हमने, हमने का ज़रूरत पड़ेगी तो और भी ले लेंगे, पैकेट लेकर आए थे पूरा, अभी हमने 3 ले ली है। सच्ची बता रहे पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी बना था, तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद होता है। तो चीज़ हमने कस ली है। तो अब हम लेंगे प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर। ठीक है, अभी मैं एक एक करके आपको फटाफट से दिखा दूँगी। ठीक है, तो आ जाइए, अब मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या चाहिए। तो हमने प्याज लिया 2 से 3, और हमने लिया हरी मिर्ची जो गोल गोल हमने काट ली है, और लिए हमने टमाटर और फूल गोभी, और जो चौड़ाई आती है चौड़ाई वो, और जो शिमला वो शिमला मिर्च है तो शिमला मिर्च ले लें। आपको जो सब्जी खाना आप वो सब्जी ले सकते हो। मटर ये सब कुछ था हमारे घर पे, तो हमने कहा चलो ले लेते हैं। तो हमने हमारे घर सोया जो पिज़्ज़ा सॉस होता है वो नहीं था, तो हमारे घर टोमेटो सॉस था। तो टोमेटो सॉस में हमने थोड़ी सी मिर्ची ऐड कर ली है, थोड़ा तीखापन आ गया उसमें। तो किस तरीके से बनाना है तो आप लोग देख लीजिए। तो हमने किए उसके 2 ही बनाएंगे बस बड़े से। तो 2 टुकड़े कर लिए पूरे आटे के हमने, और फिर इस तरीके से हमें बेलना है इसको। थोड़ा थोड़ा आटा लगाएंगे इस तरीके से, हमें इसे बेलना है। और सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, आप लोग जरूर ट्राई करके देखिए। इस तरीके से हमें इसको बेलना है, और बेलने के बाद, और बिल्कुल पतला नहीं करना, और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, मीडियम साइज का बेलना है इस तरीके से। तो ये फॉग होता है जो पास्ता खाने वाली चम्मच होती है, उसको इस तरीके से इसमें हमें डॉट डॉट के शेप बना कर देना चाहिए। फिर हमारा तवा हो रहा है हल्का हल्का गर्म, तो तभी पे हम डाल देते हैं पकने के लिए। हल्का हल्का ही पकाएंगे, बस पक जाए, कच्चा ना रहे एक साइड, तो हम इसको पलट देंगे। तो हमने पलट दिया है, पलटने के बाद सॉस लगा दिया था, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो जो सामान है आपकी सब्जी वो सब लगाना है, और साथ में ही थोड़ा चीज़ भी लगाना है। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं, टमाटर प्याज हरी मिर्ची मटर फूल गोभी गाजर वो सब कुछ रख दिया मैंने। आप जो भी सब्जी खाओ वो आप डाल सकते हो, जो नहीं खाओ वो मत डालिए। तो फिर ऊपर से और चीज़ लगा देते हम, और थोड़ा थोड़ा तेल लगाएंगे हम चारों साइड से, जिससे कि साइड में भी पक जाए अच्छे से। और अब हम इसको बिल्कुल मध्यम गैस रखेंगे, और इसको एकदम ढक देंगे इस तरीके से, देखते रहना कहीं जल ना जाए नीचे से। तो इस तरीके से इसको हम ढक देंगे, फिर हम करीबन 10 से 15 मिनट बाद देखेंगे अच्छे से चीज़ हमारा मेल्ट हो गया होगा, और अच्छे से नीचे से क्रिस्प हो गया होगा। देखिए इस तरीके का बन के रेडी हुआ है। हमने थोड़ी सी लाल मिर्ची हमने इस पर डाल दी है थोड़ा थोड़ा, और फिर हमें जो हमारा सॉस बच गया था ना, जो अभी हमने सॉस बनाया था लाल मिर्ची डाल के, तो वही सॉस हम थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देते। सच्ची बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा था, जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है ना उतना ज़्यादा खाने में भी लग रहा था। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी, तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। तो आज का हमारा ब्लॉग इतना ही है, नेक्स्ट ब्लॉग का करिए इंतज़ार। चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।